दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले में इन दिनों थार महोत्सव का आयोजन करवाया जा रहा है और हमारी कोशिश है कि जिस तरीके से प्रशासन और सब लोग चाहते हैं कि यहाँ के स्थानीय कलाकारों को आगे कैसे लाया जाए, इनको कैसे बढ़ावा दिया जाए, इसी क्रम में हम भी लगातार यहाँ के स्थानीय कलाकारों को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के जो कलाकार हैं उनकी कला आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और भला अभी आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर जो आपको शख्स नजर आ रहे हैं, इनकी कला से कौन परिचित नहीं है। इनकी कला सात समंदर पार भी है और राजस्थान का नाम जब भी लिया जाता है, जब राजस्थान की किसी कला का नाम आता है तो मंगनियार का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि मंगनियारों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब इनके बच्चे जन्म लेते हैं तब इनके बच्चे राग में रोते हैं। आज मैं इन कलाकारों से आपको एक ऐसी संगीत ये सुनाएंगे आप लोगों को, जिसको सुनकर आप वाकई में कहेंगे कि वाकई में इनकी गले में जादू है, इनकी जो कला है वो सात समंदर पार मात्र इसलिए है क्योंकि ये वाकई ये शानदार कलाकार है। अब आप सुनिए कि अपने को आप ये सब लोग एक अच्छा सा यहाँ का गीत सुनाएंगे। चलिए सुनाइए। सबसे पहले मैं आप लोगों का इंटरव्यू परिचय लेना चाहूंगा। क्या नाम है आपका? पठान। पठान खान, कहाँ से हैं आप? हम सड़ाऊ से, सड़ाऊ गांव से, चौटन बाड़मेर। अच्छा, आप बताइए, सबसे बुजुर्ग आप हैं? गफूर खान। गफूर खान जी, आप कहाँ से हैं? डोक से। डोक से, आप बताएं? अनवर खान। आप कहाँ से हैं? चौटन से। चौटन से, आपका नाम और गांव का नाम बता रहिएगा। बाका खान सड़ाऊ। बाका खान जी सड़ाऊ। बसंत खान चौटन। बसंत खान जी चौटन। जोगा खान सड़ाऊ। जोगा खान जी सड़ाऊ। रजा खान चौटन। रजा खान जी चौटन, आप बताएं? सवाई खान चौटन। सवाई खान जी। जूठा खान चौटन। जूठा खान जी, आप बताएं? दरा खान चौटन। दरा खान चौटन। अब मैं सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, इनसे मैं कुछ बातें जानूंगा। आप बताएं कितना इस तरीके का आपकी कला जब होते हैं, कलाकार आप कब से गा रहे हैं और किस तरीके से आप लोगों को लोग आपकी कला सुनते हैं? हमारे कोई माता जी देवी का है जो परंपरा है, हमारे माँ बाप वो भी गाते थे, हमने कुछ सिखाया। निश्चित रूप से, बिल्कुल। आप देखिए बता रहे हैं कि हमारी परंपरा रही है, हमारे पूर्वज भी यही काम करते थे और हम भी चाहते हैं और ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी इस काम में आए, लेकिन उसके लिए हम सब लोग अगर इनका सपोर्ट करेंगे तो अपने बच्चों को सिखाएंगे। ऐसा कौन इंसान होगा जो अपने बच्चों को ऐसा काम सिखाए जिनसे कुछ मिलता भी नहीं हो। इन सरकार से हमारी गुजारिश है कि इन लोगों के लिए अलग से कुछ ऐसी सुविधाएं की जाए ताकि ये अपनी कला को जिंदा रख सकें। अब सुनते हैं इनसे एक शानदार गीत। भरियो ओ प्यारो
तरीके से यहाँ पर जब कोई मेहमान आता है, जब यहाँ कोई अतिथि आता है तो उनके लिए स्वागत गीत है पधारो हमारे देश केसरिया बालम। बहुत ही शानदार अद्भुत इनकी कला है। और जब ये कहीं महफिल चल रही हो और इस प्रकार के कलाकार जब अपनी कला बिखेर रहे हो तब बात ही कुछ अलग बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।